भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका स्वागत है आज सुबह के इस वीडियो में, जिसमें आपको कई राज्यों से जानकारियां देखने को मिलेंगी। तो विनती है कि वीडियो को पूरा देखना, और आप सब अगर चैनल से ना जुड़ी हो तो जुड़ जाइए। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी जो आज जुड़ जाएंगे उन सबको भी धन्यवाद। तो चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दें, सुनीता बहन जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आती हैं, और उन्होंने जानकारी भेजी है कि भैंसदेही और शाहपुर दो ये ब्लॉक है उनके वहां के बैतूल जिले में, जहां पर 24 मार्च को कार्यालय की तरफ से सरकारी विभागीय जो फोन है वो बांटे गए हैं। तो इस संबंध में और भी जानकारी आई है, अभी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें वहीं दूसरे राज्य से खबर आ रही है, झारखंड से। तो झारखंड के बोकारो जिले से यहां पर एक बहन है, उन्होंने भी मैसेज किया है कि हम लोगों का मानदेय 7 महीने से नहीं आया है। तो आप देख सकते हो कि झारखंड के बोकारो जिले से एक बहन के द्वारा मैसेज किया गया कि 7 महीने से मानदेय नहीं आया है, काफी दिक्कतें बहनों को वहां पर उठानी पड़ रही है। तो अगर आवाज जा रही है सरकार विभाग तक झारखंड में, तो इसके लिए थोड़ा सोचे और पैसे का भुगतान करवाएं। साथ ही साथ आपको बता दें, सावित्री बहन आती हैं जो कि बस्ती जिले से हैं, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में उनके बस्ती जिले में 1200 रुपया जो है ये 26 मार्च को आज जो है उनके खाते में आए हैं, और जैसा कि उन्होंने नीचे लिखा भी है, सुधांशु भैया नमस्ते, आज यह मेरे खाते में पैसा आया है। तो ये रिचार्ज के पैसे हो सकते हैं। साथ ही बात करते हैं एक मैसेज की। एक मैसेज ऑल इंडिया पर लगा था कि आज दिनांक को किस माह का मानधन आया है 4563 और 500 रुपया, तो आपने दिनांक तो नहीं लिखी है, लेकिन इन्होंने कल जो है ये मैसेज किया था, तो कल उनके अकाउंट में 4563 प्लस 500 आए होंगे। तो आप अपना पीएफएमएस के जरिए जो चेक किया जाता है उमंग ऐप से, तो उमंग ऐप से आप चेक करके देख लें, चेक हो जाए, अन्यथा जो है पता कर पाना मुश्किल है। और ऐसे पता कर सकते हो, अगर आप डेली खबरें देखते हो तो आपको पता होगा जिन जिन बार हमने पैसा बताया है क्या उतनी बार आपका आया था, इस बारे में आप सोचिएगा। बाकी आप देखिएगा यहां पर अमरचंद भाई है जो मथुरा जिले से आते हैं, यूपी से है, इनका भी समस्या है। इन्होंने कहा है कि मथुरा में जनवरी से फरवरी तक का मानदेय अभी तक नहीं आया है, प्लीज गिव अपडेट रिगार्डिंग मानदेय। तो आपको बता दें जनवरी और जनवरी का मानदेय अभी पूरा पूरा राज्य सरकार का 1000 भी नहीं आया, बाकी केंद्र का काफी जगह 4500 तो पहुंच गया था, और वहां अगर बात की जाए फरवरी की तो वो अभी कहीं भी जो है यूपी में नहीं गया है। तो जब पैसा आएगा, कोई अपडेट आएगी मानदेय के विषय में, तो चैनल पर जरूर बताई जाएगी। साथ ही साथ ये आकांक्षा बहन है मध्य प्रदेश से आती है, इन्होंने कहा है कि 25 तारीख को इनके वहां बैतूल जिले में मोबाइल जो है वो दिया गया है। तो जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपको भी पिछला मैसेज भी दिखाया और इनका भी दिखाया, तो मोबाइल फोन का वितरण किया गया है। साथ ही साथ हमारे पास एक अगला मैसेज आया है, इस जानकारी की अगर हम बात करें तो बहनों ये राजस्थान के जयपुर से जानकारी है। फॉरवर्ड करके हमारे पास एक मैसेज आया है कि प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल गया है। इसमें लिखा है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन समय बदला है, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय रहेगा राजस्थान में। जयपुर से यह है, महिला बाल विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया, ऐसा मैसेज में लिखा है। अगर हमारे पास आदेश आएगा तो दिखाया जाएगा और तभी इसकी पुष्टि की जाएगी, अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। साथ ही साथ आपको बता दें, अभी जो जानकारी आ रही है वो दिल्ली राज्य की जानकारी आप देखने जा रहे हो। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से फेसबुक पेज पर पोस्ट डाली गई कि दिल्ली के हर गली मोहल्ले में आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार, इन दोनों का बहिष्कार का अभियान चल रहा है, और बहने जो है नाक में दम करो अभियान अपना चला रही है, जिसके चलते आप देख सकते हो बहने काफी लंबे समय से अभी भी अपने संघर्ष को जो है छेड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार बहनों की समस्याओं के प्रति अभी मौन व्रत धारण किए हुए है। तो आप यहां पे देख सकते हो बहनों की ये रैली है जो दिल्ली में है, और ये बहनें जगह जगह जा जा करके इस तरह से जो भी कार्यालय हैं आम आदमी पार्टी के, भाजपा पार्टी के, तो इन दोनों लोगों के कार्यालयों के सामने पोस्टर बैनर जो भी हैं उन पर कालिक इस तरह से पोती जा रही है और अपना विरोध बहनें दर्ज कर रही है। आप यहां से एक और ये देख सकते हो, इस तरह से कुछ तस्वीरें निकल निकल के आ रही है। वहीं पर आगे आपको बता दें एक मैसेज आया है हमारे पास, इसमें लिखा है, और ये मैसेज मध्य प्रदेश से है, आप सब बहने
पहले इस पर थोड़ा गौर करिए, ये बात 100% सत्य है, आप लोग सुनिएगा। 28 और 29 मार्च को सभी को तालाबंद हड़ताल करनी है, किसी को भी नाश्ता खाना नहीं बांटना है। जब अधिकारी सुपरवाइजर को ही अपनी मिलने वाली सैलरी कम लग रही है और प्रमोशन के लिए भी लड़ रहे हैं, तो सोचो हमें काम करते कितने साल हो गए हैं, क्या हमारा प्रमोशन नहीं होना चाहिए? क्या हमें 10,000 रुपए में ही गुजारा करना होगा? पूरा विभाग हड़ताल पर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिना डरे अपने हक व अधिकार की लड़ाई एक साथ मिलकर तेज करनी होगी। यानी मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर सीडीपीओ संघ भी धरना कर रहा है। अब आप सोचो आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर 10,000 मिलते हैं, फिर भी वो संघर्ष कर रही है, सुपरवाइजरों को 40-50,000 मिलते हैं, सीडीपीओ को उनसे भी ज्यादा मिलते हैं। अब आप सोचो वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं मानदेय के लिए भी और अपना प्रमोशन के लिए भी। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप अन्य अन्य राज्यों से जो आती हो, कहीं 4,000, 5,000, कहीं 6,000, जहां ऐसे पैसे मिल रहे हैं, अब आप सोचो कि आप अपने हक को पाने के लिए क्यों नहीं लड़ रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बड़ी संख्या में पहुंची है धार के प्रदर्शन में। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में वहां प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं से एक जानकारी यह निकल के आ रही है कि वहां पर कार्यकर्ता बहने अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने पहुंची है। ग्राम बाड़दा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा बघेल है, उन्होंने कहा है कि संगठन की प्रमुख मांगों और समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर जिला स्तर पर हमारे संगठन की जिला अध्यक्ष सोनू राज पुरोहित के नेतृत्व में धार जिले में धरना प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग वही जा रहे हैं। साथ ही संगठन के निर्देशानुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हैं और सभी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता उतरी हुई है। बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा 2018 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय 1500 और सहायिका के मानदेय जो है 750 रुपए से बढ़ोतरी, वो उसको भी लागू नहीं किया गया, तो उसका भी भुगतान हो। साथ ही साथ आपको बता दें, रीता बहन आती है समस्तीपुर यानी बिहार से, और उन्होंने बिहार से ये जानकारी भेजी है, पोषण पखवाड़े का कैलेंडर है, 21 से 4 अप्रैल के बीच में जो मनाया जा रहा है उसके तहत आपको बता दें 28 से 29 तारीख का ये सब लिखा हुआ है। और बहनों अगर आप ध्यान दें तो हमने यूपी के आधार पर आपको ये सारी चीजें पहले ही बता रखी हैं, पोषण पखवाड़े का कैलेंडर आपको पूरा का पूरा दिखाया है। तो आप सब बहने सभी वीडियो को देखा करें, किसी भी राज्य से खबरें आती है उन सबको ध्यान पूर्वक सुना करें। बिहार सरकार से एक अगला सरकारी आदेश जो है 25 मार्च को ये जारी हुआ है, प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय से निकला है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो वैशाली के हैं उनको भेजा गया है। साथ ही साथ और भी हैं, जैसे आपको बता दें बिहटा, ये सब वैशाली के ही जो है वहां पर परियोजनाओं के नाम दिखाई दे रहे हैं। इनमें अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो ICDS निदेशालय बिहार पटना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत कार्मिकों की अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में है। अगर यहाँ पर ध्यान दें आप सब भाई बहन, तो इसमें लिखा गया है कि ICDS निदेशालय में प्रतिनियुक्ति निम्नांकित कर्मियों की माह मार्च 2022 की अनुपस्थिति विवरणी आवश्यक कार्यार्थ जो है प्रेषित की जा रही है। तो जो भी आपके कर्मचारियों का नाम और पदनाम यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर उपस्थिति दिनों की संख्या दी गई है, अनुपस्थित दिनों की संख्या दी गई है। अब अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो सभी अधिकारियों की जो अनुपस्थिति है वो सिर्फ शून्य दर्शाई गई है, आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो। तो ये 21/2/2022 से 10/3/2022 तक के बीच की उपस्थिति जो है शून्य दर्शाई गई है, यानी कोई भी अनुपस्थित नहीं हुआ है। इधर बात करते हैं, यहां पर एक और जानकारी आ रही है, राजकली बहन आती है कौशाम्बी जिले से, उन्होंने अपने वहां से एक वीडियो भेजा है और वीडियो में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। लिखा है हरी कृपा महिला स्वयं सहायता समूह अंबाई बुजुर्ग कड़ा कौशाम्बी, ऊपर लिखा है समाजवादी पार्टी के समर्थक और गुंडागर्दी, यानी समाजवादी पार्टी के समर्थक की जो है वो गुंडागर्दी 25 मार्च 2022 को हरी कृपा महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष राजकली राशन चना दाल रिफाइन तेल गेहूं दलिया लेकर केंद्र पहुंचाया, रिसीव किया, दस्तक करते समय आंगनबाड़ी प्रभावती उसके पति जगरूप नेता भतीजे महेश कुमार उसकी बेटी दस्तक करते समय झगड़ा किया, अपशब्द प्रयोग किया, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी। और इसका एक वीडियो आया है, वीडियो को आप सबको कल दोपहर के वीडियो में या सॉरी आज के वीडियो में जो है दोपहर में दिखा दिया जाएगा। वहीं पर बहनों अगर हम बात करें, एक और खबर इसी बीच निकल के आ रही है, बहुत से लोग शायद वीडियो को छोड़ करके चले गए होंगे, खैर आप देख रहे हैं तो आपको एक ये महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेगी। सदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का मुद्दा उठाने पर जिला संरक्षक ने जताया है आभार। तो ये यहां पर यूनाइटेड समाचार
सेवा की तरफ से कौसाम्बी में एक खबर प्रकाशित की गई है कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला संरक्षक अमित सिंह पटेल जी, उन्होंने रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा जी का आभार व्यक्त किया है। बृहस्पतिवार को रीवा सांसद ने लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की वर्षों से अनदेखी की जा रही गंभीर समस्याओं को सदन के पटल पर रखा है और सरकार से आग्रह किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं को इन्हें भी दिया जाए। सांसद जनार्दन मिश्र के इस कार्य की सराहना कौसाम्बी जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने की है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला संरक्षक है अमित सिंह पटेल जी, उन्होंने सांसद जनार्दन मिश्र को पत्र लिखकर के आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि रीवा सांसद की तरह यदि देश भर के अन्य सांसद भी इस गंभीर मुद्दे को सरकार तक ले जाएं तो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हित में सरकार बड़ा फैसला जरूर ले सकती है। बृहस्पतिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लोकसभा क्षेत्र रीवा से संसद सदस्य जनार्दन मिश्र जी ने सदन में कहा कि देश के छोटे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ गर्भवती माताओं, प्रसव के उपरांत जच्चा बच्चा, इन सबको सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। इतना ही नहीं, बीते दिनों में कोविड प्रभावित क्षेत्रों के घरों तक सर्वे करने और दवाई पहुंचाने और अनुपूरक पोषाहार पहुंचाने में अतुलनीय कार्य किया गया है। जान जोखिम में डालकर जो है फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर किए गए सराहनीय कार्य के दौरान संक्रमित होकर हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने देश सेवा में शहादत भी दी है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। कार्यकर्तियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह कोविड नियंत्रण पर कार्य किया है उसका परिणाम भी अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश में स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ गई। श्री मिश्र ने कहा कि इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें प्रदान किए जाने वाले मानदेय बहुत कम है और इनकी सेवाओं की सुनिश्चितता हेतु दूसरे शासकीय कर्मचारी जैसे नहीं है, इसलिए भारत सरकार से आग्रह है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए, दूसरे सरकारी कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं को इन्हें भी दिया जाए। गौरतलब हो कि भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये सब ICDS जो 1975 में स्थापना हुई थी और इस क्रम में के अंतर्गत देश में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे और कार्यकर्ती सहायिकाओं की नियुक्ति हुई थी, परंतु बेहद हैरानी की बात है कि अब तक इतना बड़ा कालखंड गुजर जाने के बाद भी इन्हें अब तक ना तो शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया गया है और ना ही इनकी सेवाओं में कोई सुनिश्चितता हुई है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब जो है मात्र 5500 रुपया प्रतिमाह मानदेय के तौर पर मिलते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से जानकारी निकल के आ रही है, इस तरह से हर जो है सांसद अगर आवाज उठाए तो अच्छा रहेगा। देशराज भाई आते हैं जो कि अमेठी से हैं, उन्होंने एक मैटर भेजा है, बहुत ही पुराना मैटर है। उन्होंने कहा मुझे कोई सहारा नहीं दिखा तो आपके पास भेजा। जिले के लोग, ऑफिस के लोग हमें गोल गोल घुमाते रहे हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहां पर बहुत पुराना पैसा, उन्होंने कहा कि 2018 तक यहां से जो है चिट लेटर भी दिया गया है लेकिन अभी भी कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से इस बारे में ये 1/6/2017 में एक लेटर भी जारी किया गया था श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद अमेठी के लिए, जिसमें लिखा गया था कि बाल विकास सेवा पोस्टार विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करने वाली कार्यकर्ती सहायता बहनें इनको विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य ना लिए जाने और ब्लॉक गौरीगंज में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2013-14 के एरियर ना मिलने के संबंध में, तो गौरी जो है गौरीगंज में जो बहने हैं वहां पर उनका 2013-14 का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते बहनों ने यहां पर आवाज लगाई थी लेकिन यहां पर अभी तक इनका पैसा उनके खातों में नहीं आया है। तो एरियर के भुगतान दिलाने के बारे में यूनियन ने ये तब लिखा था लेकिन दुख की बात है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहीं पर IFSC कोड और ये सब जो है बहनों बहनों के नाम सबके सब दिए हुए हैं और पैसे का भुगतान बहनों का बकाया है। साथ ही साथ आपको बता दें ये जिला कार्यक्रम अधिकारी अमेठी के, उन्होंने अपर निदेशक वित्त विभाग को भी निदेशालय को 4/11/2016 में एक लेटर भेजा था। तो अगर आपको हम बताना चाहें तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अमेठी के DPO जी ने क्या लिखा, कृपया अवगत कराना चाहेंगे कि जनपद की बाल विकास परियोजना गौरीगंज द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में माह मार्च 16 में मिनी कार्यकर्ताओं का मानदेय एरियर जो है यहां पर वो प्रस्तुत किया गया था, जिसके भुगतान के लिए नियमानुसार कोषागार से टोकन नंबर प्राप्त करने हेतु टोकन की अपलोडिंग कार्रवाई की गई थी, किंतु कोषागार द्वारा अपने यहां पर 3/4/16 के उक्त बिल सहित 18 देयकों को वापस किया गया। चूंकि मानदेय भुगतान की कार्रवाई अब PFMS प्रणाली
के माध्यम से निदेशालय स्तर से की जा रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त देयक मूल रूप से संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि देयक के भुगतान की कार्रवाई अपने स्तर से कराने और भुगतान हेतु संबंधित मद में धनावंटन करने की कृपा करें। लेकिन यहाँ पर अमेठी के डीपीओ महोदय के जी के द्वारा भी जारी आदेश के बावजूद भी अपर निदेशक वित्त विभाग निदेशालय वाले अधिकारियों ने कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया और बहनों का भी पैसा बकाया है। वहीं अमेठी से एक लेटर यहाँ पर आप देखेगा और जारी हुआ था, ये भी वित्त विभाग को भेजा गया था और इसमें भी वही है गौरीगंज की बहनों के जो है एरियर भुगतान के संबंध में। और यहाँ पर 3/6/2017 में भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लिखा है कि अमेठी का जो है गौरीगंज जनपद अमेठी का मैटर है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय एरियर भुगतान न होने के कारण श्रीमती आशा जिला अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ अमेठी के शिकायत पत्र द्वारा आवश्यक कार्रवाई करें, कृत कार्रवाई से अवगत भी कराएं। लेकिन यहाँ पर यूनियन ने भी कहा, डीपीओ महोदय ने भी कहा और उसके बावजूद भी जो है विभाग की तरफ से कुछ आया नहीं। तो मिनी कार्यकर्ता जो भी है उन सबके बिल जो है यहाँ पर वो सब ऐसे ही सब चल रहे हैं और यहाँ पर खानापूर्ति हो गई, साल पर साल बीत गए और बहनों की मेहनत का पैसा उनके हाथों पर जो है विभाग ने नहीं रखा। वहीं अगर हम बात करें एक अगले मैसेज की, तो यहाँ पर एक बहन है सज्जो देवी जो भदोही जिले से आती है, इन्होंने एक मैसेज भेजा है जो उनके वहां विभाग ने उनके ग्रुप में भेजा होगा बहनों को। तो बहन ने कहा है इस फॉरवर्ड किए हुए मैसेज में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। आज जिन केंद्रों पर पहली बात तो पहली लाइन ही गलत लिखी है। आज उनका कहने का तात्पर्य जिन केंद्रों पर विजयचंडी टीकाकरण होना है वहां की कार्यकर्ती अब अपने बच्चों को जो है ला करके वजन कराएं और एनएम को दिखाएं। सैम वगैरह जो बच्चे हैं मैम, यानी सैम बच्चों को एनआरसी में तत्काल भर्ती कराएं। सैम बच्चा जो है भर्ती नहीं कराती है तो यह मान लिया जाएगा कि वहां कुपोषण नहीं है, इसलिए वहां का जो है रास्ता रोक दिया जाएगा। शायद राशन कहना चाहती होंगी क्योंकि इसमें जिन्होंने भी लिखा है उनको लिखना तो ढंग से आता नहीं है और त्रुटियों पर ध्यान नहीं है इनका, तो मुझे लगता है ये मैसेज फेक भी हो सकता है। इसमें आगे लिखा है कि जब कुपोषण नहीं है तो राशन की जरूरत नहीं है एवं वहां पर केंद्र के लिए राशन न आने के लिए शासन को लिख दिया जाएगा और सेवा समाप्ति के लिए भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि कुपोषण खत्म करने के लिए ही केंद्र खोले गए हैं अति महत्वपूर्ण आज्ञा से जो जिलाधिकारी महोदय। अब जिलाधिकारी महोदय का तो होगा नहीं, जिलाधिकारी महोदय इतना गलत थोड़ी लिखेंगे और ये थोड़ी कहेंगे कि कुपोषण को मिटाने के लिए जो है आंगनबाड़ी बहनों जो है यहां पर ये सब हुआ था और वरना सेवा समाप्ति हो जाएगी सीधे। अरे नहीं है, अगर कुपोषित बच्चा तो क्या बहने कुपोषित जबरदस्ती बना करके दे दें, तो अब ये एक अलग बात है। नहीं है तो नहीं है बहनों, झूठा बिल्कुल भी मत देना, फिर भले ही चेकिंग करने कोई आए या ना आए वो अलग बात है, कुछ भी नहीं होने वाला है, बस आप अपनी तरफ से सच्चाई पर डटी रहे, गलत काम बिल्कुल भी ना करें। बहन ने कहा भी है एनआरसी में जबरदस्ती जो है बच्चे को अगर भर्ती करा दूं तो वहां जाकर के क्या अपनी खुद की बहने बेइज्जती करवाएं। वहीं पर कुछ बहनों ने फोटो भेजी है, अनीता कुमारी बहन कासगंज से आती है और उन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हो वहां पर काफी बहने हैं और कार्यक्रम मनाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो वजन वाला कार्यक्रम चल रहा है तो ज्यादातर सब जगह बहनों ने जो है वजन ही मनाया है। साथ ही साथ ये बहनें मुसरत जहां जो मुरादाबाद से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से कुछ पोषण पखवाड़े की फोटो भेजी है जिनमें आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से पोषण पखवाड़ा वहां पर मनाया गया है। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे रंगोली भी वहीं पर मनाई गई है और साथ ही साथ ये सीमा श्रीवास्तव बहनें सिद्धार्थनगर से आती उनके द्वारा भी अभियान मनाया गया है और उन्होंने भी वहां से वीडियो भेजे हैं। और सुमन बहन चंदौली से आते उन्होंने कहा है कि ईसीसी का फिर प्रशिक्षण हो रहा है दिनांक 26 तारीख को आज ही जो है, तो ये 26 तारीख को सुमन बहन चंदौली से आती है उनके वहां पर प्रशिक्षण है। और साथ ही साथ जो है मासूम बानो बहन कौशाम्बी से आती है उनके द्वारा फोटो भेजी गई है और ये है मीरा देवी जौनपुर से इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और साथ ही साथ जो है एक ये बहन आती है गजला जो हरदोई से आती है उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और साथ ही अगर हम बात करें अगली बहन की तो सुधा बहन सिद्धार्थनगर से आती है और इनके अलावा विमलेश तिवारी झांसी से आती है और इनके अलावा ये सुनीता बहन देवरिया से आती है और लास्ट में एक बहन है माया जो कौशाम्बी से आती है। और आज के लिए इतना ही रखेंगे आपको।